तो आज सबकी नजर कर्नाटक पर होगी क्योंकि उपचुनाव के नतीजे आने हैं। कर्नाटक में 3 लोकसभा और 2 विधानसभा चुनाव के लिए हुए मतदान के नतीजे आज आ रहे हैं। शिमोगा, बेल्लारी और मांड्या लोकसभा सीट पर बीजेपी को कांग्रेस जेडीएस गठबंधन से कड़ी टक्कर मिलने के आसार हैं। तीनों खाली हुई सीटों में से 2 बीजेपी के पास और 1 जेडीएस के खाते में थी। आज ही विधानसभा की भी 2 सीटों के उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। रामनगरम विधानसभा सीट सीएम कुमार स्वामी के छोड़ने से खाली हुई थी, वही कांग्रेस विधायक सिद्धू न्यामगौड़ा के निधन के बाद जमखड़ी में उपचुनाव हुआ था। 2019 से पहले बीजेपी के खिलाफ गठबंधन टेस्ट का एक और नतीजा आज सामने आ जाएगा। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।